सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। एक बार एक फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उनके चेले भी उनके साथ थे। तभी एक औरत अंदर आई। उस औरत ने किसी से कुछ नहीं पूछा घर में आने के लिए, ना तो वो घर के मालिक से अनुमति ली और ना ही प्रभु यीशु मसीह से कुछ पूछा। वो औरत चुपचाप आई और यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोने लगी। वो औरत उनके पैरों के पास बैठकर रोने लगी। लेकिन जो घर का मालिक था, वो अपने मन में ये सोचने लगा कि अगर प्रभु यीशु मसीह मन की बातों का जांचने वाला होता तो इसको पता चल जाता कि ये औरत कैसी है। शायद उसका चरित्र अच्छा नहीं था, इस कारण उस घर के मालिक ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो मन की बातों का जांचने वाला है, उन्होंने घर के मालिक से कहा, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है, इसलिए इसके गुनाह जो ज्यादा थे वो माफ हो। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है कि हम प्रभु के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। घर के मालिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि मेरे घर में प्रभु मेरे साथ खाना खा रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस घर के मालिक से प्रसन्न ना होकर के उस व्यभिचारी औरत से, उस पापी औरत से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने पश्चाताप किया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमें माफी नहीं मिलती। हम कितना भी कुछ कर लें, हमारे मन में यह रहता है कि हाँ प्रभु हमें क्षमा कर देगा, मैं प्रभु के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा चीज़ है पश्चाताप करना। उस औरत ने पश्चाताप किया और उसको माफी मिली।